अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बंजर हिल्स रोड नंबर 10 पर आम आदमी पार्टी के हैदराबाद के जिम्मेदार मोहम्मद माजिद और उनके साथियों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि यह सड़क का नाम यासे अरफात रखा गया था, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया है। इससे पहले यानी मोदी गवर्नमेंट से पहले जितने भी गवर्नमेंट थी वो फ़लस्तीन से अच्छे ताल्लुकात रखते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इसराइल से अच्छे ताल्लुकात रख रही है। इसके लिए फौरन इसको रोकने की ज़रूरत है। और यासिर अरफात जो लगातार फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद करते थे और उनके भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद माजिद, कोर कमेटी मेंबर और पार्लियामेंट्री इंचार्ज हैदराबाद और छेवड़ला, आज फलस्तीन के साबिका सदर यासिर अराफात साहब का यौम पैदाइश का रोज़ है, जिन्होंने फलस्तीन के लिए फलस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक्सा के लिए काफ़ी जदोजहद किए। इसराइल यहूदियों का बहुत जुल्म बर्दाश्त किए और जिस तरीके से महात्मा गांधी और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने जदोजहद किया था, उसी अंदाज में पीसफुल प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट कर बहुत सारे मुश्किलात का सामना उठाया। तो इनकी यौम पैदाइश के दिन आज बंजारा हिल्स में हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि बर्थडे मरहूम है, मनाना अच्छी बात नहीं है, उसके बाद वो दिन होने की वजह से आज हम ने एक आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट से पहले हमारे मुल्क में दूसरे जो साबिका गवर्नमेंट गुजरे हैं, जिसमें बीजेपी भी गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट से पहले फलस्तीन को साथ दिया जाता था, लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ने इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वजह से आज हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा। साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना में भी ये बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 है, जिसको 1989 या 90 के टाइम में यासिर अरफात साहब हैदराबाद आए, उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया था, एक मस्जिद का इनॉग्रेशन किए थे, उसके बाद ये रोड नंबर 10 को वो मस्जिद का नाम रहमत आलम था, उसके इनॉग्रेशन के बाद ये रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स को यासिर अरफात के नाम से मौसूम किया गया था। उसी के साथ साथ रोड नंबर 7 उसका नाम इमाम खोमेनी के नाम से मौसूम किया गया, लेकिन रोड नंबर 7 पे इमाम खोमेनी साहब का बोर्ड लगा हुआ है। ये रोड नंबर 10 जबकि वेल डेवलप्ड रोड है और यासिर अरफात साहब के बहुत अच्छे हिंदुस्तान से ताल्लुकात थे, वो देखकर ये रोड नंबर 10 का यासिर अरफात साहब के नाम से मौसूम किया गया था।
लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है यहाँ का बोर्ड बर्खास्त हो गया है और अवाम को पुराने कुछ अवाम को मालूम है कि ये यासिर अरफात रोड है, बकाया पूरी अवाम भूल गई है यासिर अरफात रोड के नाम। यहाँ की भी हुकूमत सेम वैसी करना चाह रही जो मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं। मेरी यहाँ की हुकूमत से गुजारिश है इमीडिएट यहाँ पर भी एक जिस तरीके से रोड नंबर 7 पे इमाम खोमेनी का बोर्ड लगा हुआ है उसी तरीके से यासिर अरफात साहब का भी रोड नंबर 10 के ऊपर बोर्ड लगा डालना चाहिए, चाहे सिटी सेंटर हो, चाहे जैरा नगर हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, वहाँ पर यासिर अरफात का नाम का बोर्ड लगना चाहिए। या नहीं तो अवाम में पहले से ही आपका नाम चल रहा है, आप बीजेपी की बी टीम है, अब यकीन में बदल जाएगा कि आप वाकई बीजेपी की बी टीम है।